आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, एग की क्वालिटी पे। हेलो, मैं डॉक्टर निशी प्राइम आईवीएफ से। मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया कि आपकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपका अंडा तो बनता ही नहीं है, या आपका अंडा बनता है पर वो रैप्चर नहीं होता, सिस्ट बन जाती है। मैडम, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारी एग की क्वालिटी कैसे ख़राब हो रही है या हमारी एग की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हो सकती है। तो मैं आज आपको यही बताऊंगी, क्योंकि एक एग जो होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है कंसीव करने के लिए। 50% एग और 50% स्पर्म। जब एग मतलब अंडा और स्पर्म मतलब शुक्राणु मिलते हैं तभी कंसीव हो पाता है। तो आप समझ गए होंगे कि एग का कितना बड़ा रोल है। तो कोई भी लेडी जब पैदा होती है तो उसमें नंबर ऑफ एग्स एक लिमिटेड नंबर में होते हैं। ऐसा नहीं है कि एग आपके बढ़ते ही रहेंगे, एक लिमिटेड नंबर में एग होते हैं। जो जैसे ही महावारी शुरू होती है हर मंथ एक एग निकलता है, और इसके बाद हर मंथ जब आपका एक एक एग निकलता है तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपका ओवेरियन रिजर्व मतलब नंबर ऑफ एग्स कम होने लगते हैं। जब आपकी एज 30-35 तक आती है तो उसके बाद ओवेरियन रिजर्व यानी कि नंबर ऑफ एग सडनली डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी भी कम हो जाती है, मतलब AMH रिड्यूस हो जाता है। और क्या क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से एग की क्वालिटी कम हो जाती है? सबसे पहले बात हमने जैसे कि एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, क्योंकि एग तो लिमिटेड नंबर में है तो वो एक एक एग निकलता रहता है हर मंथ, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपके नंबर ऑफ एग्स कम होते रहेंगे, उसकी क्वालिटी ख़राब होती रहेगी। सेकंड, स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आजकल तो काफ़ी ज़्यादा है यंग जनरेशन में, तो स्ट्रेस भी आपकी एग की क्वालिटी को कम करता है। तीसरी बात आ जाती है एसोसिएटेड बीमारियाँ, जैसे कि अगर आपको PCOD है, PCOD मतलब आपका हार्मोनल इम्बेलेंस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, तो उसमें आपका एग जो है मल्टीपल एग्स है पर ओवुलेशन नहीं हो पाता या सिस्ट बन जाती है, तो PCOD भी एक मेन कारण है जिससे कि आपकी एग की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये दोनों भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी एग की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। इसके अलावा आपकी डाइट, डाइट में क्या है कि आप फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं, तला भुना ज़्यादा खा रहे हैं, ट्रांस फैट ले रहे हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो उनसे भी PCOD या डिफरेंट बीमारियाँ हो रही हैं, आपकी एग की क्वालिटी ख़राब हो रही है। इसके अलावा कई बार कैंसर या अन्य कोई एसोसिएटेड बीमारी है जैसे डायबिटीज है, तब भी आपकी एग की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। अब आपने ये तो सुन लिया कि हाँ हमारी एग की क्वालिटी ख़राब है, पर अब इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगी कि फर्स्ट, आप जैसे ही जिस भी एज में आपकी मैरिज हो रही है या जल्दी से जल्दी कंसीव होने की कोशिश करें, अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा है तो, क्योंकि उसके बाद AMH लेवल लो हो जाएगा या कुछ एग थोड़े कम हो जाएंगे। तो जैसे ही आप 30 इयर्स के बाद मैरिज करते हैं तो आप अपनी प्लानिंग जल्दी करें। सेकंड है, स्ट्रेस ना लें, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। स्ट्रेस से एग की क्वालिटी पे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, तो कम से कम स्ट्रेस लें। इसके अलावा तीसरा है डाइट, अपनी डाइट हेल्दी रखें, अपना डाइटिशियन से अपना रूटीन सेट करें और हेल्दी फूड खाएं, ऑर्गेनिक फूड ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब खाएं। आप बाहर का खाना, जंक फूड, ट्रांस फैट, ये सब अवॉइड करें। चौथा है कि आपकी बीमारियाँ, जैसे आपको थायराइड है तो आप डॉक्टर के पास जाके अपना PCOD का, थायराइड का, प्रोलैक्टिन का, इन सब का इलाज कराएं ताकि आपकी एग की क्वालिटी में इम्प्रूव हो सके। चौथा है कि अगर आपका एज ज़्यादा हो रही है, AMH लेवल कम है, तो कुछ ऐसी ड्रग्स आ रही हैं, वैसे वो कोई प्रूफ नहीं है कि वो इम्प्रूव कर ही देंगी, पर फिर भी जैसे DHEA है, DHEA एक मेल हार्मोन है जो ये कहा जाता है कि AMH को इम्प्रूव कर सकता है,
साथ में CoQ10, ये एक एंजाइम है जो मेनली माइट्रोकॉन्ड्रिया, एग के अंदर काफ़ी सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये उनको एक्टिव करता है, तो आपकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है। तो मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ें कर सकते हो आप, पॉजिटिव एटीट्यूड, हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज, जो भी आपकी बीमारियां हैं उनकी मेडिकेशन, इसके अलावा AMH इम्प्रूव करने के लिए जो मेडिसिन है वो लेके आप एक एग की क्वालिटी को अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको अगर ऐसा कोई लग रहा है, कोई क्वेश्चन है, या आपके दिमाग में कोई आप जानकारी चाहते हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे जाएं और अपना क्वेश्चन लिखें, मैं आपका शीघ्र ही उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।